हेलो बच्चों, वेलकम टू अवर चैनल KV360। यह है केंद्रीय विद्यालय संगठन का सैम्पल पेपर, सब्जेक्ट है मैथ, क्लास है थर्ड। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहला है चूज द करेक्ट आंसर। मल्टीप्लिकेशन इज रिपीटेड एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो मल्टीप्लिकेशन जो क्या आता है, रिपीटेड एडिशन होता है, ये बार बार ऐड करते हैं। उसी को हम सिंपल बनाने के लिए उसको क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। द वेट ऑफ अ स्कूल बैग कैन बी मेजर्ड इन। तो आपके स्कूल का बैग है, उसमें किस में मेज़र कर सकते हैं, मीटर में करते हैं, वेइंग मशीन में। तो वेट करना है उसको, वेइंग मशीन में करेंगे तो इसको हम टिक कर देंगे। नेक्स्ट है डू एज डायरेक्टेड, जैसा बताया गया वैसा करो। और ऑब्जर्व द पिक्चर एंड राइट, ये जो पिक्चर दी गई है इसको ऑब्जर्व करो और लिख लो। देयर आर डैश रैबिट्स, कितने रैबिट्स हैं, 1 2 3 4 5 6, एक में 6, दूसरे में भी 6, यानी कि 6 6 12 हो गए। अब मल्टीप्लिकेशन फैक्ट बताना है इसी का। तो वन रो में कितने हैं, 6 हैं, दूसरी रो में भी 6 होगा, तो 6 × 2 कितना होगा, 12। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 6 × 2, मल्टीप्लिकेशन फैक्ट हो गया ये। राइट द नेम ऑफ द हैवियर ऑब्जेक्ट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर हैवियर ऑब्जेक्ट क्या है इन दोनों में, इसमें एरोप्लेन है तो हो जाएगा एरोप्लेन, और इसमें क्या है, पम्पकिन, तो इसमें हो जाएगा पम्पकिन। ठीक है, नेक्स्ट है कंप्लीट द मल्टीप्लिकेशन ट्री। ये मल्टीप्लिकेशन ट्री है, इसको हमें कंप्लीट करना है। तो कितना कितने कितने को मल्टीप्लाई करेंगे, 30 हो जाएगा। तो उसके लिए हम कर सकते हैं, इसमें अगर हम करेंगे 10 × 3 करेंगे तब भी 30 हो जाएगा, और 5 × 6 करेंगे तब भी 30 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 10 × 3 या 5 × 6, ये 30 होगा। इनमें से कुछ भी हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट अंडरस्टैंडिंग बेसिक कॉन्सेप्ट, फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पर टोटल रुपीज़ कितने हुए, 5 5 5 15 रुपीज़ हो जाएंगे। नेक्स्ट है टू डजन एप्पल्स। टू डजन एप्पल्स यानी कि 1 डजन इक्वल टू कितना होता है, 12 होता है। 2 का कितना होगा, 24। तो यहाँ पर जाएगा 24। नेक्स्ट है डू एज डायरेक्टेड, कीर्ति हैज़ अ बॉटल फिल्ड विद मिल्क। कीर्ति के पास एक बॉटल मिल्क से भरी हुई है। शी पोर्स द मिल्क इनटू द फॉलोइंग मेजर कप, मेजरिंग कप में डालती है ना। व्हाट इज़ द टोटल कैपेसिटी ऑफ द बॉटल। तो उसने इसमें पोर किया, यानी कि उसकी जो कैपेसिटी है वो कितनी है, 1 लीटर हो जाएगी। 1 लीटर बॉटल में जो मिल्क है उसकी कैपेसिटी कितनी है, 1 लीटर। बॉटल की जो कैपेसिटी है 1 लीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द मोस्ट अप्रोप्रिएट यूनिट मेजर फॉर द फॉलोइंग। लीटर में क्या, किलोग्राम में क्या, मिलीलीटर में क्या, ग्राम में क्या मेज़र किया जाएगा। राइस बैग किस में मेज़र किया जाएगा, किलोग्राम में, किलोग्राम में। फिर टर्मरिक पाउडर किस में करेंगे हम, ग्राम में करेंगे। ठीक है, फिर आई ड्रॉप मिलीलीटर में करेंगे या लीटर में करेंगे, तो उसको करेंगे मिलीलीटर में, मिली लीटर, लीटर। नेक्स्ट है एबिलिटी इन कंप्यूटेशन, फिल इन द ब्लैंक्स। 4 tens more than 700। 4 tens का मतलब कितना हुआ, 4 tens का मतलब 40 हुआ। 40 more than 700, तो इसमें 700 ऐड कर देंगे, कितना हो गया, 740। फाइंड द क्वेश्चन, इसमें क्या करना है, 54 को डिवाइड करना है और फिर इसमें क्वेश्चन बता देना है। तो इसको डिवाइड करेंगे 6 9, ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन आएगा 9, यानी जिसको हम डिवाइड करने के बाद जो भी हमारा आंसर आता है वो क्वेश्चन होता है। सॉल्व द फॉलोइंग यूजिंग द एक्सपेंडेड नोटेशन, कंप्लीट द टेबल एंड फाइंड द प्रोडक्ट। इसमें क्या करना है, 3 10 से 30 को मल्टीप्लाई करिए क्या इतना आया, 4 से 30 करेंगे तो 120 हो जाएगा। फिर 10 से 2 को करेंगे 20, 2 से 4 को करेंगे 4 आ जाएगा। अब इनको क्या करना है, ऐड करना है। तो इन सब को जब ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 448। फिर है एक्सटेंड द पैटर्न टू फॉलो टू मोर प्लेसेस। 6 8 2 ऐड हुआ, ठीक है, फिर क्या हुआ, 8 में 3 ऐड हुआ, फिर 8 में 11 में 4 ऐड हुआ, फिर यहाँ पर
फाइव ऐड हुआ, अब क्या होगा, सिक्स ऐड होगा, यानी कि 26 हो जाएगा। फिर सेवन ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। वैसे ही 19 में दो कम हुआ 17, 17 में दो कम हुआ 15, 15 में टू माइनस हुआ 13, 13 माइनस टू 11, 11 माइनस टू 9। इस तरह पैटर्न को कंप्लीट करना था। कंप्लीट द कैश मेमो, यहाँ पर नो आइटम दिया गया है, रेट दिया गया है, क्वांटिटी रुपीज़। नोटबुक की नोटबुक्स हैं कितनी, 20, उसका कॉस्ट क्या है, 25 रुपीज़। थ्री का क्वांटिटी का क्या होगा, 75 रुपीज़ हो जाएगा, पैसा 00। फिर पेन है 10, एक ही कॉस्ट है 12, पाँच का कॉस्ट क्या हो जाएगा, 12×60, 60 रुपीज़, 00 पैसा। डेरी मिल्क चॉकलेट है, उसकी कॉस्ट है 7 रुपीज़, एक की कॉस्ट कितनी होगी, 7 लिखी हुई है। फ्रूटी 14 रुपये की एक है, दो क्वांटिटी कितनी होगी, 28 की। अब टोटल करना है, ये हो जाएगा 00, यहाँ पर 7 एंड 5, 12 एंड 2, 12 एंड 4 हो जाएगा 6, 1 कैरी हो जाएगा, 1, 2, 3, 3 एंड 6, 9 माइनस 7, 16, ये हो गया 166 रुपीज़। प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, चूज द करेक्ट आंसर, टिक द नंबर दैट इज़ लेस देन 75। आपको बताना है कौन सा नंबर है जो 75 से लेस देन, लेस है बट ग्रेटर देन 50 है। तो ग्रेटर देन 50 तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, लेस देन 75 ये है, लेकिन ये 75 से लेस नहीं है, तो ये वाला नंबर हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट है, 1 स्टार इज इक्वल टू 3 बर्ड्स, एक स्टार 3 बर्ड्स के बराबर है, तो हो जाएगा तो 3, 3, 3, 3। अब बताना है कितनी बर्ड्स हुई, 1, 2, 3, 4, यानी कि 12 बर्ड्स, तो आंसर ये वाला सही है। सॉल्व द फॉलोइंग, अ बुक हैज़ 72 पेजेस, एक बुक में 72 पेजेस हैं, वाट विल बी द टोटल नंबर ऑफ पेजेस इन 4 सच बुक्स। तो अब बताना है 4 बुक्स में कितने पेज होंगे, तो 72 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 × 2 = 8, 4 × 7 = 28, 288 पेजेस। रजनी हैज़ 28 kg मैंगोज, रजनी के पास 28 kg मैंगोज हैं टू सेल, बेचने के लिए उसके पास 28 kg मैंगो हैं। सी टोल्ड ऑल द मैंगोज इक्वली टू 4 मैन, उसने सारे के सारे मैंगो बेच दिए 4 मैन को। हाउ मेनी मैंगोज डिड ईच मैन गेट, तो इसको 28 को हमें डिवाइड करना है 4 से, यह आ जाएगा 7, हर एक मैन को 7 मैंगोज मिलेंगे। नेक्स्ट, ऑब्जर्व द स्मार्ट चार्ट एंड आंसर, यहाँ पर है मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, नंबर ऑफ व्हीकल हो जाएगा, बस हैं 3, कार हैं 7, ये इस तरह रह रहा है, थोड़ा सा मिस्टेक है यहाँ पर, ये बाइसिकल हैं ये हैं 5, और स्कूटर हैं 2। अब क्या करना है, द नंबर ऑफ बाइसिकल इज़, नंबर ऑफ बाइसिकल क्या है, मोर देन नंबर ऑफ स्कूटर, स्कूटर का नंबर से ज़्यादा है या कम है, स्कूटर कितने हैं 2 हैं, बाइसिकल 5 हैं, तो ये है मोर। नेक्स्ट है टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स कितने हैं, 3, 7, 5, 2, तो हो जाएगा 7, 7, 14 एंड 3, 17, 17 व्हीकल्स हो गए। तो ये था हमारा लास्ट पेपर, लास्ट क्वेश्चन, आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।